हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंछी ब्लॉग्स। में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे चलिए नाम पूछते हैं। मेरा नाम है श्रेयांश दास। और आपका नाम? मेरा नाम है प्रज्ञाश्री दास। सबसे पहले हम लोग को ना शो दिखाया जाएगा। अभी अभी शो चालू हो चुका है, तो अभी शो होगा। शो होने के बाद हमें मिलेगा लंच। लंच मिलने के बाद और एक बार शो होगा, जिसमें जिन लोगों ने ड्राइंग्स में पार्टिसिपेट किया है उनको प्राइज भी मिलेगा। तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया है उसमें। दोस्तों, तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये हमारा ओडिशा का फेस्टिवल है। तो ये फेस्टिवल पश्चिम ओडिशा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हमने तो दोस्तों, दिल्ली में भी हर साल की तरह इस साल भी ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। दोस्तों, अभी आप देख सक रहे हो यहाँ पे कितनी अच्छी से फूलों से रंगोली बनाई गई है, उस पे गणपति जी बिठा रखे हैं। हाँ, हम अभी अंदर जाके देखते हैं अभी क्या क्या हो रखा है। चलिए चलिए, अभी अंदर चल कर देखते हैं क्या क्या हो रखा है। ये पता नहीं, यस, अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। हमारा संबलपुर का जो चावल बड़ा होता है वो लेके आते हैं। ओडिशा का रसगुल्ला, छेना पोड़ो, समोसा, बड़ा और घुगनी, ये सब, झालमुड़ी, ये सब चीजें मिट्टी की हैं। तो ये छोटे छोटे खिलौने हैं। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे से मिट्टी के खिलौने हैं यहाँ पे। अब तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये हमारे ओडिशा का स्टेट फूड है, समोसा, घुगनी और उसके साथ चटनी। तो दोस्तों, आप लोग जो भी हैं हमारे वीडियो देखते हैं वो तो सारे ओडिया के नहीं होंगे और इन थोड़ी ओडिया समझ भी नहीं आती होगी। और तो इसीलिए आप प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि चलो ओडिया में बोल रहे हैं मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, छोड़ दो कुछ और देखते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि अभी इसमें बीच बीच में हिंदी भी है, ओडिया भी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से सीट मिली है, पर क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे इसलिए हमें सीट नहीं मिल पाई जल्दी, पर हमें मिली गई है, पर बहुत मुश्किल से मिली हमें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। यहाँ का इतना सुंदर गाना है, ऐसा गाना देखेंगे ना तो आपके हार्ट पैर तो हिलने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आप अभी डांस करने वाले हैं, अभी डांस कर रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि डांस करते रहो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को निहाती भावे
माटी रा महक माटी रा संस्कृति माटी रा कला माटी रा ऐतिहासिक सब बोले कि माटी ने एंता कर व्यक्तित्व गुठिया पे सिद्ध स्वतः सर्वदा चेष्टा करसो नि बड़ा तो दोस्तों अभी हम ओडिशा का ऑथेंटिक फूड खाने वाले हैं। चावल भी है, ये दाल है, अरहर की दाल, अरहर की दाल, हाँ, और ये वेस्टर्न ओडिशा का आंबिलो, अच्छा, जिसे हम कढ़ी भी बोलते हैं, बट इट्स आंबिलो, चना, मिक्स चना बीन्स, ये साग, घाटा तरकारी, कमाल मिक्स अच्छे सब ना, ये घाटा तरकारी ये साग ये पुटल रसा और ये है हिंडुआ ये है हिंडुआ खाना। अब खीर की तरह खाते हैं। ये खीर है, ये है मालपुआ, बहुत टेस्टी होता है। एक मेरे लिए भी और ये है आरिसा नुआखाई जुहार। आपका नाम? सौम्या श्री है मेरा नाम। और तो भी नुआखाई जुहार। तो प्रोग्राम कैसा लगा? डांस हुआ, सॉन्ग हुआ, म्यूजिक? तो बेसिकली मैं पुरी से ही बिलोंग करती हूँ, तो उड़ीसा से ही बिलोंग करती हूँ मैं। तो ये जो हमारा कल्चर है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है हमारा उड़िया का कल्चर, जब दिल्ली में स्पेसिफिकली हो रहा है। एंड ऑब्वियसली मुझे ये डांस गाना यहाँ का बहुत, ये लोग यहाँ पे कल्चर मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड कल्चर ऑफ आस। सो आई जस्ट लव्ड इट, आई एंजॉयड इट अ लॉट, और डांस बहुत अच्छा लगा, गाना भी बहुत अच्छा लगा। स्पेसिफिकली यानो सर का जोक्स वो अच्छा था, और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था जो स्पेसिफिकली उड़िया के रिलेटेड ही बना था आज। देखो आमर सम्बलपुरी माँ, आमर सम्बलपुरी भाषा, आमर सम्बलपुरी पिन्धन पटा, सम्बलपुरी खाना, आज खाला सम्बलपुर खाली ओडिशा रे परिचित नुहे, एटा सारा विश्व रे परिचित है सालानो। आमर जे सम्बलपुरी कप्ता, ई सम्बलपुरी कप्ता आजका भारत रो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मध्य पिन्धिकी संसद रे उपस्थित रहउचन। आमर संस्कृति, आमर परंपरा, आमर कला, आमर ऐतिह्य, आज रंगवती गाना, डालखाई गाना खाली सम्बलपुर खाली ओडिशा नुहे, सारा भारत नुहे, सारा विश्व दरबार में पहुंची सारीचे। आम एथिले गर्वित कि आम जेन पंचवाद्य अच्छे ढोल निशान ताशा झाँच मुहरी, ये पंचवाद्य के नहीं आम गर्वित, जो पंचवाद्य बाजी जैसी गोटे कुंदाटे गोटे मुकाटे तार गोड़ हाथ हल्के नाचवार लगे बहुत चेष्टा करसी, इसलिए बहुत गर्वित कि आम सम्बलपुरी लगे कल्चर कहार कल्चर नाइन, सब आम सम्बलपुरी कल्चर के समस्त फॉलो करचन आउ आगे बढ़ुचन। आज के देखुन मोदी जी भी आम सम्बलपुरी पिन्धन पटा पिन्धुचन, निर्मला सीतारमण कहसन जिते भी शाढ़ी पिन्सी आज सबुन बेसी शाढ़ी सम्बलपुरी शाढ़ी ही मुझे रखी जाए। तो इति खाली आम सम्बलपुर नुहे, ओडिशा नुहे,
सारा ओडिशा जेन कारीगर अच्छे हस्तंत जेनता सम्बलपुर बरगर बरपाली जेन हाथ सम्बलपुरी कप्ता बुनुचन आ से कलाकार मानकर से आज का कारीगर मानकर बहुत उन्नति होचे आम सम्बलपुरी कल्चर सारा विश्व दरबार पहुंची सारीचे गुटे रंगवती गाना जेन गाना रे गाँव ना चेंज होचे सम्बलपुर कुचिना ब्लक से गाँव अच्छे बिलुंगा जेन ना रे आगे तीन तीन टा पद्मश्री मिलीजे मित्र भानु गौती आज लेखक जी कंपोजर से स्वर्ग से स्वर्ग प्राप्त लगे चलीजे जे डॉक्टर कृष्णा पटेल डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल जे गुटे गुटे तीन तीन पद्म से छुटिया जिनिस नुहे इटा बहुत बड़ जिनिस है हमर सम्बलपुर कल्चर सम्बलपुर संस्कृति लगे बहुत बड़ जिनिस है आम गर्वित करसु कि सम्बलपुरिया जाहि भी ठिया आसन सेनो माहौल अलगा हैसी। थैंक यू नुआखा जुहार आपन को इने खावे लगे कंटा अकाण भल लागला अकाण भल लागला बले मुई त किसी डिशेस रो ना जाननी परबर नकि मालपाड़ी भल लागला सब भल लागला सब ठीक अछि भल भल ठीक अछि। खे जुहार अपन का नाम का है? मोर नाम दिलीप पांडे मैं बरगढ़ बरपाली रु बिलोंग करसे और ये नुआखाई जुहार टाइडा हो जे आज के 24 वर्ष से गला आबादर के 25 वर्ष हवा इटा और हमें इटा बहुत धूमधाम रे पालन कर जो और देखो जो नामर जंदा की पश्चिम ओडिसा रे माने खावा टेसी हेणवा चुटचुट हला लेथा हला तापरे ओडसा आइजे सब इटा मन नुआखाई जुहार अपन का नाम का है? मोर नाम हो अर्पिता पाणिग्रही बलांगीर रु होई तमकु इने काना काना खाबे लागि भल लागला तो बहुत बढ़िया आइटम माने हिचे जेंटा कि सबुद्रु भल आइटम होची आमिल आउ हेणवा चुटचुटा आउ पनीर खीरी आरसा काकरा ये सब जने सेइचे भल काना लागला सबुद्रु भल त आमिल ही लागावा अमर लेथा तोंटा। थैंक यू नुआखै जुहार तमर ना कना है? मोर ना संजीव मा। तमे केनाडो? मो बलांगीर रे मा बलांगीर पाटनागर पाखो। आर तुमको खावा लागि काना काना भल लागला? मते खावा लागि न पहला तो अरसा पिटा भल लागला हेणवा तन बढ़िया लागला ए आर भाजी साग मिलला दिल्ली रे भाजी साग मिलवा त बड़े मुश्किल है बुझलो कि नहीं आर अरसा टिके पिटा जन टिके मिला बड़े स्वादिया है बुझलो कि नहीं मा बस अटा लेथा तो पछे हो कुलता लेथा खाइसु है कने के आर बाकी मोर सांग मना है छैटा सबे एन्जॉय कर छै है कि ना आमे दिल्ली रे रहू छु फोर्स रे नौकरी कर छु आमे इतनो माने सीएसएफ रे छु 7 वर्ष हो गला दिल्ली रे का रहू छु आर आज पहला तोरा एक नाम है आसी छु खावल लागि खावले तो नि से मेन कथा में भूलि आइस तनो जेतले देखि देनो खावर प्रबंधटा अछि बोले खाइ देखनो बोले बहुत बढ़िया बहुत खुशी लागला आर बहुत बढ़िया आयोजन है छै खुशी लागला नुआखाई जुहार तमन ना आर तमे केनो कर केनो छ मोर ना अविनाश प्रधान मु बरगढ़ रो मतलब मु सब वर्ष नुआखाई परिवार जुहार परिवार के सब वर्ष आसु छी दीर्घ 3 वर्ष हलानी ओ मु 6-7 वर्ष हलानी एटी रहू छी 3 वर्ष हलानी दिल्ली रे आसु छी ओ जुहार परिवार रे पर्व रे शामिल हो छी बहुत भल लागु छै आज जे आइटम हेतला तुमको खाइबा लागि समको लोग भल काना लागला खेवाली आज सब भल लगला हेणवा पत्र भल लगला तापर साग भल लगला और लेथा भल लगला बहुत भल लगला सब धन्यवाद नुआखाई जुहार तमर ना काना यार तमे दिल्ली रे केने रहउछो आर केनु बिलोंग करसो ओडिसा रो मोर ना होचे विजय प्रकाश त्रिपाठी मैं ओडिसा रे बलांगीर रो बिलोंग करसे आइने गुड़गांव रे रहउछे गला 18 वर्ष होला मैं दिल्ली रे होछे हो आज जेन जेन आइटम हिदला तुमको संपूर्ण भल काना लगला आइटम तो सब बढ़िया हेतिला मेन स्पेशल कर लेथा आइटम संपूर्ण बेटर हेतिला आउ आम कुक माने सब आइतिले सोनपुर आइतिले सब लेथा आमिल तापर टमाटो चटटा आउ मिक्स तरकारी पनीर तरकारी सब आइतिला आउ स्पेशल आरसा पिठा आइतिला आउ तापर मालपुआ बना हेतिला आउ खीरी तो हेतिला पूरी भी हेतिला सब जिनिस टेस्ट गुटे अलगा सोनपुर टेस्ट गुटे अलगा टेस्ट है आर स्पेशली कुक चारजन कुक सोनपुर आसिकी बनेतिले आर सब जिन बढ़िया लगुला स्पेशली लेथाटा बेसी भल लगुला धन्यवाद। प्रोग्राम केनता आवार केनता लगला तुमको प्रोग्राम? ई प्रोग्राम ता सकल 10 बजे निकरी संध्या 5 बजे तक चलवा आर कंटीन्यूअस नाच गाना सब प्रकार रो समस्त कर एज दो सब हिसाब रे एंटरटेनमेंट रो प्रबंध छे आ संध्या तक नामा ओटा बहुत बढ़िया सब वर्ष बहुत बढ़िया लागसी आमे माने जे मन में ऑर्गेनाइज करू आमे तो एटा सपन दिसी जे केनता करी पूरा हो बोली करी वर्षे मासे दु मास आगर लागी पड़ी समस्ते समस्त दादा माने बहन माने और स्पेशली थैंक्स तो हमार बहु मान को जन मान को अलाउ करसन
कि जाकर काम कर राति बिकाली घर छाड़ी रहबाक पड़छे आ काम करबाक पड़छे जेंति सपनटा आज साकार होला लेखन दिसि सब सल्ला बेल के जतले जन एते बेल तक हम माने संध्या 6 बजे तक हम धोका नै लागते 6 बजे पर आ जीवन थिला लेखन नै लागे बाकी से मजा रे उठे अलग मजा आ बस धन्यवाद नमस्ते आपका नाम सीमा आपका नाम प्रशांत बजाज आप यहाँ पर आए आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी हमें सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे जो अंदर फंक्शन हो रहा था जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था वो भी बहुत अच्छा लगा खाना भी बहुत टेस्टी था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा मेरे को बहुत अच्छा लगा पहली बार मैं ऐसे फेस्टिवल में आया हूँ हम उड़िया नहीं है लेकिन हमारे मित्रगण बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे उड़िया और अंदर जो हमने डांस प्रोग्राम देखा गाने का देखा बहुत ही अच्छा लगा है वो मतलब साथ में लग रहा था कि हम भी डांस करें और फिर ऑफ कोर्स खाना भी बड़ा टिपिकल हमको में लगा बहुत अच्छा खाना था तो लेकिन सबसे अच्छा ये लगा जो माहौल है आपस में लोगों का मिलने जुलने का यू नो ऐसे ही फेस्टिवल पे लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं तो दैट इज आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल और दिस गैदरिंग नुआखै जोहार और प्रोग्राम तुमको कैसा लगला प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया लगला हमें निजे भी एसोसिएट है हमर जोहार संगे और प्रोग्राम तो बहुत लगवा नहीं दिला और प्रोग्राम बहुत मार्वलस बहुत बढ़िया आउ खाबा लगे तुमको कणा के आइटम ता सबको न जह भल लागला मते तो आइटम माने ईच एंड एवरी आइटम बढ़िया लागसे समलपुरी रो केनसी भी माने जने घर में बनाई जासी इस रेटा हेंडवा चटनी रा दिस वन ये हेंडवा और चटनी माने एटा हमर दिल संगे जुड़ा थेसी माने हमर मन संगे जुड़ा थेसी हमको हेंदे भल लागसे तो सब जिनिस भल छ खाना रे सब जिनिस भल छ धन्यवाद नुआखै जोहार तुमको इना ऐसे कर केनता लागु छे भल लागु छे ओके तुमको सम सब आइटम रे समकनो फेवरेट माने पसंद काना लागला मालपुआ मोर पसंद है थैंक यू नमस्ते नमस्ते आपका नाम क्या है मैं मिथिलेश कुमार वर्तमान में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएड कर रहा हूँ और मैं आज यहाँ पर मैं अपना मित्र मेरा सौम्यरंजन बरपंडा उसके साथ मैं आया हूँ उन्होंने कल ही मुझे सूचित किया था कि यहाँ पर मुझे आना है तो आया आपने यहाँ खाना खाया आपको कैसा लगा यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था वैसे मैं तो उड़ीसा से मेरे दोस्त बहुत सारे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर के हैं समलपुर के हैं बलांगीर के हैं तो मैं उड़ीसा से लगभग जब मैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में पढ़ाई कर रहा था उसी समय से मैं उड़ीसा से उड़ीसा के मित्रों से जुड़ा हूँ और मैं एक संस्कृत का छात्र हूँ तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो है संस्कृत क्षेत्र में उड़ीसा के जो लड़के हैं चाहे बालिकाएं हैं उनका योगदान है तो मैं बहुत पहले से ही लगभग 7 साल से ही उड़ीसा के मित्रों के साथ जुड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां का खान पान मुझे ऐसा लगता है कि जो उड़ीसा का कल्चर है वो प्रकृति के साथ जुड़ा है जो उड़ीसा का कल्चर है वो पूरा प्रकृति पर ही निर्भर है तो ये अच्छा है वो प्रकृति को पालन पोषण करके और प्रकृति के साथ ही जुड़े हैं यहाँ का मैं अलग अलग व्यंजन खाया उसमें बांस का कुछ व्यंजन था वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन और यहाँ प्रोग्राम हुआ डांस हुआ म्यूजिक आपको हाँ मुझे डांस म्यूजिक बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं जब तिरुपति में पढ़ाई कर रहा था उस समय से ही मुझे मतलब कि थोड़ा समझ में आने लगा था और अभी तक तो पूरा ही समझ में आता है लेकिन मैं बोल लेता हूँ लेकिन उतना अच्छा से नहीं बोल पाता हूँ लेकिन जो उसका गाना है और उसका जो धुन है मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी तो मैं उसमें नाच भी लेता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मैं वैसे उड़ीसा से नहीं हूँ मैं झारखंड से हूँ आपको बता देना चाहता हूँ तो मैं बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ और मुझे यहाँ की संस्कृति कला बहुत ही अच्छा लगता है डांस की दिव्यांश त्रिपाठी आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सारे प्रोग्राम्स जो थे बहुत एक्साइटिंग थे मुझे सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं सारे में ही मेरे को अच्छा लगा ये सब और यहाँ पे आपने लंच किया होगा लंच कैसा लगा आपको मतलब उसमें आपको कौन सी डिश सबसे ज्यादा अच्छी लंच भी बहुत अच्छा था सबसे टेस्टी तो पनीर थी वैसे मेरे को पनीर ही पसंद है नुआखै जोहार आपका नाम क्या है नुआखै जोहार मेरा नाम शिफाली है
और आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं? हम लोग आया नगर में रहते हैं। आपको यहाँ का प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक, सॉन्ग जो भी हुआ, आपको वो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे आपने लंच भी किया होगा, वो लंच में क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मुझे सबसे ज्यादा मिक्स वेज अच्छा लगा, और हमारे वहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड होता है उसमें होता है आंबिल बोलते हैं हम लोग, तो वो मेरा वैसे भी फेवरेट है और यहाँ भी बहुत टेस्टी बना था, तो वो ज्यादा अच्छा लगा। आप ओडिशा कल्चर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वी आर ओडिशा पीपल आर रिच इन कल्चर एंड क्या बोलूँ, हम लोग सब तरह की फेस्टिवल मनाते हैं, हर महीने हमारा एक फेस्टिवल होता है, हम सब कुछ मनाते हैं, दिवाली हो, होली हो, हमारा नुआखाई हो, दशहरा हो, तो थैंक यू। थैंक यू जुहार, आप नुआखाई जुहार, आपका नाम? मेरा नाम स्वागत है। तो आप उड़ीसा से कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बरगढ़ से हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में अभी मैं साकेत में रहता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये नुआखाई पर्व कैसा लगा? नुआखाई तो हमारे लिए मतलब एक ऐसा है ना कि हमारे रूट से जुड़ा हुआ है ये, और हम घर से बहुत दूर हैं यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यूजली हमारे लिए क्या होता है ना, ये परिवार के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, बट समहाउ जॉब के करने के लिए हम बाहर रहते हैं, तो अभी तो घर जा नहीं पाए, बट ये भी एक परिवार ही है, जितने भी हमारे उड़ीसा के भाई बहन हैं यहाँ पे, हम सब यहाँ पे मिलके ही सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे मिलके हम प्रोग्राम भी जितना होता है वो एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, यही हमारे लिए, घर से दूर रह के भी हम पास हैं सब, और यही हमारे लिए नुआखाई फेस्टिवल है। आप उड़ीसा के कल्चर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उसका ढंग रंग? उड़ीसा का कल्चर बहुत यूनिक है, सही बताऊँ तो ये मैं कलिंग के टाइम से ही बहुत फेमस है, और कल्चरली हम जैसे ओडिशा ईस्टर्न पार्ट और हम वेस्टर्न पार्ट, नुआखाई खासकर वेस्टर्न पार्ट में कई हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जैसे हम कहते हैं ना ओडिशा का राइस बाउल ऑफ इंडिया हम कहते हैं ओडिशा को, और ये उसी राइस का फेस्टिवल है आप कह सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, मतलब कल्चर हमारा बहुत यूनिक है, और उसी को हम अभी कोशिश कर रहे हैं, मॉडर्न दुनिया ऐसे मॉडर्नाइज होते जा रही है, फिर भी हम अपने रूट से अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं बाहर रहते हुए भी। और आपने यहाँ पे लंच किया होगा, ट्रेडिशनल फूड खाया होगा वहाँ का? सही बताओ तो मैं पिछले एक साल से घर गया नहीं हूँ, बट हाँ आज यहाँ पे इतने एक साल बाद घर का खाना खाने को मिला फाइनली यहाँ पे, ये बहुत ही एक अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे जो कुक आए थे वो भी उड़ीसा के सोनपुर से आए हुए थे, उड़ीसा के ही थे, और उन्होंने यहाँ पे जो खाना बनाया था वो ट्रेडिशनली वो हमारा जैसे लोकल फूड होता है, या राइस खीर हो गया, वो लोकल हमारा आंबिल होता है, या वो सब ऑथेंटिक वो हमारा लोकल फूड था, तो हाँ बहुत यूनिक था। और प्रोग्राम डांस हुआ, वो आपको कैसा लगा? प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, अभी हम जस्ट डांस वगैरह करके ही आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ पे नाचते हैं गाते हैं सबके साथ, हम मिलके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अरे शांत हो जाओ। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नमस्ते, बाय, और इनका चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू मोटा भाई। I love you.